बीते कुछ दिनों से अमेरिका पर मंदी का साया गहराने की आशंका जताई जा रही है। अब कहा जा रहा है कि दुनिया के कई देश मंदी की चपेट में आ सकते हैं। दरअसल दो साल तक कोरोना का साहस के साथ सामना करने के बाद जैसे तैसे वैश्विक इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़नी शुरू की थी कि रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद से सब अस्त व्यस्त हो गया है। इस लड़ाई के आगाज के बाद से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में कमजोरी देखी जा रही है। ऐसे में 2008 जैसी मंदी का खतरा बढ़ गया है। पूरी दुनिया में पिछले दो सालों में कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब चल रही है, लेकिन अगर हम पिछले दो क्वार्टर्स को देखें तो भारत में कई इंडस्ट्रीज़ में रिकवरी दिखाई है। रियल एस्टेट, फैशन, ट्रैवल आदि इंडस्ट्रीज़ ने तो प्री कोविड के स्तर को भी पार कर दिया है। कोरोना संकट और रूस व यूक्रेन की लड़ाई के कारण मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट तो आया ही है। मंदी को लेकर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा होल्डिंग्स ने दुनिया के बाजारों को सचेत किया है। नोमुरा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले एक साल में दुनिया की ज्यादातर अर्थव्यवस्था को मंदी अपने शिकंजे में ले लेगी। ज्यादातर देशों के केंद्रीय बैंकों की सख्त नीतियां और लोगों के जीवन यापन पर बढ़ते खर्च से दुनिया एक बार फिर 2008 जैसी मंदी की तरफ जा सकती है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर मंदी का खतरा गहरा गया है। नोमुरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का दम निकल सकता है। सेंट्रल बैंक की सख्त नीतियों के चलते ग्लोबल ग्रोथ पर बुरा असर पड़ रहा है। दुनिया भर में नौकरियां कम हो रही हैं, लोगों की आमदनी घट रही है, लोग जो कमा रहे हैं वो महंगाई के हवाले हो रहा है। इन सब के मद्देनजर अर्थव्यवस्थाओं के संकट में आने का डर है। नोमुरा का मानना है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच अमेरिका समेत दुनिया के कई देश मंदी की चपेट में आ सकते हैं। एक बार मंदी की चपेट में आने के बाद इसका असर 6 महीनों तक देखने को मिल सकता है। पिछले 3 वर्षों में जिस तरीके से एक के बाद एक ग्लोबल चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके कारण इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होना स्वाभाविक है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और उसके कारण अब बैंक्स द्वारा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना, वो सर्टनली इकोनॉमी को एक स्लोडाउन की प्रक्रिया के थ्रू ले जा रहा है। मंदी की ये आशंका इसलिए भी मजबूत नजर आ रही है क्योंकि अगर बयानबाजी से नाराज होकर रूस ने यूरोपीय देशों की गैस सप्लाई रोक दी तो फिर EU को मंदी की मार से कोई नहीं बचा पाएगा। अनुमानों के मुताबिक अगले 1 से 2 वर्षों तक यूरोप की अर्थव्यवस्था में 1% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। कनाडा, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत देशों पर ब्याज दरों के बढ़ने का बुरा असर पड़ सकता है। 2008 जैसी मंदी आने पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी करीब 1.5% तक कमजोर हो जाएगी। दक्षिण कोरिया में तो इसी साल अर्थव्यवस्था में 2 से 2.5% तक कमी आने की आशंका है। दुनिया की इकोनॉमी की अनिश्चितता के असर से भारत और चीन भी नहीं बच पाएंगे। हालांकि नोमुरा के मुताबिक अमेरिका और यूरोपीय देशों के मुकाबले में इस ग्लोबल मंदी का असर भारत और चीन पर कम देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।